सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन। ओम शांति। सर्वशक्तिवान शिव बाबा, सर्वशक्तियां देने वाले हम बच्चों को मास्टर, सर्वशक्तिवान बनाने वाले मास्टर, भगवती भगवान बनाने वाले बच्चे, आज हम बाबा की बात सुन रहे हैं। तो बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है, इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो। बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या होना चाहिए? बाबा कह रहे, ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करें, जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन बन पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना है, नष्ट महा ग्रुप हो तब कोई कमाल करके दिखाएं। बाबा कहते हैं किसी में भी रग नहीं जाना चाहिए, मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे ये जानते हैं कि मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने आए हैं। हर एक को यह समझना है कि हम आत्मा इस याद की यात्रा से पवित्र बनती है। कितना सहज उपाय है, सिर्फ बाप को याद करना है, पावन बन जाएंगे और सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं बाबा हमें। भक्ति अंदर से खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि बाबा हमें वर्षा दे रहे हैं, स्वयं भगवान आए हैं। जिस बाप को आधा कल्प याद किया करते थे वो बाप मिला, दुख में बाप को सिमरण करते रहते थे, लेकिन अभी तुम दुखी होकर सिमरण नहीं करते हो। जिसको सारी दुनिया सिमरण करती है वो बाप आया है, तुम जानते हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने बार बार हम बच्चों को समझाते हैं, यहां जब तुम बैठते हो तो अपने को आत्मा समझो, और ये भी समझो कि बाबा परमधाम से आए हैं, कलप कलप अपने वायदे अनुसार। बाबा की यह प्रतिज्ञा है कि तुम जब पुकारेंगे और आधा कलप जब पूरा होता है तो मुझे आना पड़ता है, कलयुग के बाद सत्युग होना है तो मुझे आना पड़ता है। यह सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि यह संगम युग है, बाबा आया हुआ है। तुम बच्चे भी सर्विस करते हो, दिन प्रतिदिन परिचय देते जाते हो, बाप की पहचान सबको मिलती जाती है। तुम बाबा बाबा कहते हो ना, हम शिव बाबा के पास आए हैं, शिव बाबा भी कहते हैं मैं साधारण तन में आया हूं, कल्प माफी की, जैसे कल्प पहले आया था वैसे मैं फिर से आया हूं। तो हम आत्माएं परमधाम के रहने वाली हैं, यहां मुसाफिर बना आए हैं पाठ बजाने, तो हम हो गए सच्चे सच्चे मुसाफिर। एक एक अक्षर जो बाप समझाते हैं दुनिया में कोई भी नहीं जानते, तुम बाप से सुन रहे हो, कितना ऊंचा भाग्य हमारा, कितनी खुशी होनी चाहिए, चेहरे पे निरंतर मुस्कुराहट होनी चाहिए। हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर यहां टिकी वर्ल्ड में आते हैं, हम शांति धाम के मुसाफिर हैं, 84 जन्म का पाठ यहां बजाते हैं, आखिर यह अंत समय है। भगते पुरानी सृष्टि को नया बनाने स्वयं शिव बाबा भगवान आए हैं, ये चित्र में की भी क्लियर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्थापना करते हैं, बाप आते ही हैं ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचने।
तो यह है पति दुनिया, एक भी पावन नहीं। जबकि पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण भी पतित बनते हैं, जो पावन थे वही पतित बने हैं। सारी डिनास्टी सहित तुम जानते हो, हम जो डीटी धर्म वाले थे वह शूद्र वाले बन गए हैं। आगते भल अमेरिका आदि में बड़े बड़े साहूकार रहते हैं, परंतु सत्यु के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं है। यह सब पिछाड़ी में बने हैं, यह अल्पकाल का भव का है। विनाश तो होना ही है। तुम बच्चों को बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, कितना वंडर है। लेकिन माया याद करने नहीं देती है। माया सोचती ये तो बरसा ले लेंगे, लेकिन हमें माया की बातों में नहीं आना है। एक बाबा को याद करना है अपने को आत्मा समझ के, क्योंकि सुख के दुनिया में जा रहे हैं, मालिक बनेंगे हम। भगत प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आदि तो रात दिन चिंता लगी रहती है उनको, लड़ाई आदि में कितने मरते रहते हैं। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, परंतु उसमें क्या हुआ था यह किसी की बुद्धि में नहीं है। तुमको बाप ने बुद्धि में बिठाया है। महाभारत की लड़ाई में सब मर गए, कितनी बड़ी सृष्टि है मनुष्य की। आत्माओं का भी झाड़ है, झाड़ पहले नया होता है फिर बहुत छोटा। बाबा कहते हैं तुम अभी रोशनी में हो, पवित्र बनो और बाप को याद करो। बड़ी सहज बात है, तुम आत्माओं का संगठन होना चाहिए एक दो को बचाने के लिए। परंतु देही अभिमानी जरूर बनना पड़े तो एक दूसरे को बचा सकते हैं। हमको पावन जरूर बनना है, यह पक्का नशा चाहिए। ऐसे नशे में रहने वाले समझा सकेंगे, दूसरों को बचा सकेंगे। हमें बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। हम सुदर्शन चक्रधारी हैं, यह नशा तो रहना चाहिए। हम रचिता बाप और रचना के चक्र को जानते हैं। अभी हमको बाप से नई दुनिया सत्य का वर्षा लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यहां तो आते ही हो रिफ्रेश होने, तो मुझे बाप को याद करो। 21 जन्म का वर्षा लेना है। कोई में भी मोह की रोग नहीं होनी चाहिए, नष्ट महा बनना है, जरा भी रग नहीं जाना चाहिए। भगत ये पुरानी चमड़ी है, लेकिन संभाल रखनी है इसकी, शरीर की। जो पढ़ाई पढ़ सके, तकलीफ होती है तो चित्ती लगानी पड़ती है। तुम जानते हो यह पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको कुछ ना कुछ होता रहता है, दुख आत्मा को होती है। जानते हो अब तो यह शरीर छोड़ना है, योग बल से इनको थामना है। बाप को याद करते रहना है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। बस कोई लौकिक संबंध आदि याद नहीं आनी चाहिए। मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, यह अभ्यास करते रहना चाहिए। भगत ऐसे से अपने से बातें करो। हम बीके को स्वर्ग का मालिक बनाने बाबा आया हुआ है। सब आत्माओं का बाप एक है, और हम कौन है? हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते हैं, काफी शादी में भी कार्ड दो, परंतु समझ नहीं सकेंगे बीके कौन है। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। गवर्नमेंट को भी समझाया जाता है हमारी यह फैमिली है, दादा और बाबा है, दादा द्वारा हम वर्षा ले रहे हैं। यह याद रखने की खुशी होनी चाहिए। यह बाप का फर्ज है बच्चों की पालना करना। जब तक कुमार कुमारी बालिग ना बने, बाप को उनकी संभाल करनी है। बच्चों का काम है पढ़ना, पढ़ते हैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं 21 जन्म के लिए, फिर हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। भगते जितना पढ़ेंगे
उतना आगे बढ़ेंगे और ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा आज धारणा में कहते हैं, इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्म के लिए कमाई करनी है, इसलिए इसकी संभाल करनी है, बाकी इसमें रग नहीं रखनी है, मतलब मोह नहीं होना चाहिए। ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा की याद ही रहे, दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है, अपना कल्याण करना है। बाबा जी हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। बाबा कहते हैं जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडव पति और पांडव कंबाइंड है, जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंध से सामने आते हैं। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे, अनुभव होगा, लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का हो, फिर तो जैसे परछाई घूमती है ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते, सदा सम्मुख की अनुभूति होगी। बाबा आज हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्वकल्याणी व विश्व कल्याणी है। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। इसी के साथ मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए अनुभव करेंगे, सर्वशक्तिवान बाबा हमेशा मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में है, उनकी किरणें पड़ रही है 24 घंटे, मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।